बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ जैन और आप देख रहे हैं जैन टीवी। आज की वीडियो में जेलम की बेस्ट लोकेशन नवाब कॉलोनी में एक चार मरले का डबल स्टोरी घर फॉर सेल लेकर आया हूँ, जो कि जीटी रोड से नहायत करीब है। घर बेहतरीन बना हुआ है, जिसमें पाँच कुल कमरे हैं, चार वाशरूम, दो किचन और दो हॉल, एक कारपोर्च, यानी दो फैमिलीज इधर सर्वाइव कर सकती हैं। बड़ी गली है 16 फीट की, जो कि जीटी रोड से करीब पड़ती है। घर ओवरऑल जस्ट बंद रहने की वजह से इसका पेंट वगैरह ख़राब है, अदरवाइज़ घर में किसी तरह का कोई मसला नहीं है, जिसका फिज़िकली जब विज़िट करेंगे डेफिनेटली आपको इसका आइडिया हो जाएगा। मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेबल है, मिस ना कीजिएगा। इस ऑप्शन को कम्प्लीट देखने के बाद जल्द से जल्द रब्ता कीजिएगा, एक हॉट आइटम है। तो चलते हैं घर के अंदर। इससे पहले फर्दर वीडियोज़ देखने के लिए जैन टी वी को सब्सक्राइब भी करते चलिएगा। तो ये है जी इसका एक कारपोर्ट, जिसमें छोटी गाड़ी ईजिली, बड़ी नहीं बल्कि छोटी गाड़ी ईजिली आपकी पार्क हो जाएगी। इस तरफ वेंटिलेशन के लिए गैलरी एरिया दे रखा है, ऊपर खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन का इस्तेमाल कर रखा है। घर में ओवरऑल जो है वो जस्ट पेंट की रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत है, अदरवाइज़ घर बेहतरीन है, हर चीज़ अपनी जगह पर है और न्यूली कंस्ट्रक्टेड ये घर है। लेफ्ट हैंड पर जी ये ड्राइंग रूम की एंट्रेंस है, यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं। नीचे थ्रू आउट मार्बल का इस्तेमाल है और ये लेफ्ट हैंड पर वेंटिलेशन का सिस्टम। घर के अंदर वेंटिलेशन का जो निज़ाम है वो परफेक्ट है, इवन बिजली ना भी हो, लाइट ना भी हो, तो रोशनी बेहतरीन है। ऊपर मुकम्मल घर के अंदर सीलिंग डिज़ाइन है, ऊपर वाले पोर्शन में गोला है, नीचे जो है मुकम्मल सीलिंग है। इस तरफ ये सामने हॉल है, राइट हैंड पर जी इसके साथ ड्राइंग रूम के साथ अटैच वाशरूम, जिसमें खूबसूरत ब्लैक कंट्रास्ट के साथ टाइल वर्क और कमोड सीट का इस्तेमाल कर रखा है। तो यहीं से आगे चलते हैं, तो ये हम आ चुके हैं जी इसके टीवी लाउंज में। ऊपर नहायत खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन, येलो स्ट्रोप लाइट का इस्तेमाल, जो कि इसकी खूबसूरती में इजाफा कर रही है। सामने खूबसूरत स्टेयर्स का इस्तेमाल, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इस तरफ बड़ा एक रूम और इस जानिब जो है बड़ा किचन, जो कि आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं कि लेडीज़ आइटम है, तो डेफिनेटली किचन को फोकस किया गया है। और चार मरले के मुताबिक काफ़ी अच्छे साइज़ का किचन, और इसके साथ भी ये वॉल सीलिंग भी और ऊपर रूफ सीलिंग भी इस्तेमाल कर रखी है। तो इसके बैक साइड पर जी, जो बैक साइड से इसको वेंटिलेशन प्रोवाइड करते हुए गैलरी, जिसको सेफ्टी वायर का भी इस्तेमाल कर रखा है, और इसको आप एज ए लॉन्ड्री एरिया भी यूज़ कर सकते हैं, और ये इसका जी बैक साइड से एरिया। तो रूम की बात करें तो नीचे जो सेकंड रूम है ड्राइंग रूम के बाद, तो वो काफ़ी अच्छे साइज़ का है, बड़े साइज़ का रूम आप इसको कह सकते हैं। ऊपर खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन, ये जो वॉल है ये जस्ट घर साथ वाला जब घर बना, तो डेफिनेटली दीवार थोड़ी बहुत जो है वो गीली होने की वजह से पेंट रफ़ हो जाता है, अदरवाइज़ ये सेम वगैरह का कोई मामला नहीं है, जस्ट इसको आपने फ्रेश पेंट करना है तो ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो इसके साथ जी ये अटैच इसका एक वाशरूम है, जिसमें अगेन ब्लैक कंट्रास्ट में टाइल वर्क, और इसमें भी कमोड सीट का ही इस्तेमाल किया गया है, बेसन भी ये आप देख सकते हैं। तो ये इसका जी ग्राउंड फ्लोर का कंप्लीट रूम, जिसमें दो कमरे, दो वॉशरूम, एक हॉल, कार पोर्च और एक ये हॉल। स्टेयर्स काफ़ी खूबसूरत इस घर में, सबसे जो अच्छा और ख़ूबसूरत वो इसकी स्टेयर्स आप स्क्रीन पर ये देख सकते हैं। तो ये जी ऊपर फर्दर चलते हैं, तो ऊपर से स्टेयर्स के ऊपर भी मार्बल का ही इस्तेमाल कर रखा है, और जो है ऊपर आते ही आपको ये सामने सिटिंग एरिया, जिसमें थ्रू आउट ऊपर भी मार्बल का ही इस्तेमाल है, 9 इंच की दीवारों का इस्तेमाल, ऊपर गोला डिज़ाइन है अपर पोर्शन पर। तो ये जी राइट साइड पर फर्स्ट रूम, फर्स्ट रूम की बात करें तो इसको आप स्टडी रूम कह लें, बच्चों का रूम कह लें, ऊपर गोला डिज़ाइन। कुल ऊपर 3 कमरे हैं और 2 वॉशरूम, 1 किचन भी ऊपर अवेलेबल है। सेकंड रूम की बात करें तो सेम रूम जो कि नीचे था, आपको नीचे से आपने देखा सेम वैसा ही साइज़ और वेंटिलेशन का नहायत अच्छा निज़ाम, और इसके साथ भी इस जगह पर अटैच एक वॉशरूम, जो कि सेम टाइल वर्क और सेम कमोड सीट और सेम ही फिटिंग के साथ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो ये इसका सेकेंड रूम। रूम नंबर 3 की बात करें तो इस घर का जो ऊपर 5वां कमरा है, ऊपर वाले पोर्शन का 3रा और कुल 5वां कमरा, इसमें भी ये खूबसूरत साइज़ की विंडो, बड़े साइज़ की, नीचे बेहतरीन साइज़ का रूम, और इसके साथ जी ऊपर गोला डिज़ाइन। तो लेफ़्ट हैंड की बात करें तो ये ओपन टू स्काई इसका टेरेस एरिया है, बैल्कनी एरिया आप कह लें, काफ़ी अच्छी जो कि ये नज़ारा सामने प्रोवाइड करता है। ये सारा रास्ते जो है इसको लिंक करते हैं, ये भी रास्ता लिंक करता है, लेकिन जो मेन है वो ग्रेस मैरिज हॉल वाला वो स्ट्रेट है, और ये भी आसपास डेफिनेटली महंगी जगह हैं, तो ये दिनों में ही इंशाल्लाह ये डेवलप हो जाएगा, बाकी भी ऑलरेडी काफ़ी हद तक ये डेवलप हो चुका है। तो ये है जी इसके साथ
इसका ऊपर पोर्शन का सेकंड वॉशरूम सेम टाइल वर्क है मुकम्मल बाथरूम से, और ऊपर से जो है ये इसमें भी कमोड सीट का ही इस्तेमाल कर रखा है। और इसके साथ जी ये इसका सेपरेट किचन जो कि एक मिनी किचन कह लें, लेकिन क्या है कि ऊपर वाले पोर्शन को भी एक किचन लग जाता है। तो फर्दर ऊपर टेरेस की तरफ चलें तो टेरेस पे भी माशाल्लाह से इसका ऊपर अगेन खूबसूरत जो है स्टेयर्स पर मार्बल स्टील की रेलिंग का इस्तेमाल, और ऊपर जो है ममटी भी काफ़ी अच्छी स्पेस वो भी आपको यहाँ पर मिल जाती है, एक्स्ट्रा सामान वगैरह स्टोर टाइप आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ऊपर आएँ तो ये है जी इस चार मरला डबल स्टोरी घर का टेरेस। जस्ट पेंट की रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत है, अदरवाइज़ घर बेहतरीन हालत में। ये सामने जी ये जो दरख्त वगैरह है ये GT रोड है, जहाँ से आप विद इन 1 मिनट की ड्राइव पर इस घर तक आ जाते हैं GT रोड ज़्यादा से। और बैक साइड की बात करें तो नवाब का ये जो बाबा ज़्यादा रोड है वो बिल्कुल करीब इसको पड़ जाती है, तो वो सामने जो रोड है ये बाबा ज़्यादा रोड है, और उसके जो मज़ीद आगे जो रोड है वो करीमपुरा वाली रोड है, और बाबा ज़्यादा रोड से ये पैदल डिस्टेंस पर GT रोड से भी पैदल डिस्टेंस आप कह सकते हैं 3 से 4 मिनट के डिस्टेंस पर ये अवेलेबल है, यानी वन ऑफ़ द बेस्ट लोकेशन है इस एरिया की। और वैसे भी जो है GT रोड के डेफिनेटली करीब है, तो काफ़ी सारा ये फेमस एरिया है नवाब कॉलोनी का, और नहायत रीज़नेबल जी इसकी प्राइस है। अभी आप इस चीज़ को डेफिनेटली वेट कर रहे होंगे कि इसकी प्राइस का पता चले, तो इस लोकेशन पर जहां पर इस वक्त मौजूदा 6 लाख से अबव रेट चल रहा है, तो 4 मरले का डबल स्टोरी अच्छा बना हुआ घर मुकम्मल सीलिंग के साथ, खूबसूरत एक सिटी हाउसिंग टाइप इसका जो है फ्रंट एलिवेशन, तो इसकी जो आनर डिमांड कर रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ है जी 75 लाख रुपीज़ जी, 75 लाख रुपया डिमांड है। माइनर सी कमी बेशी मौके पर हो जाएगी, मोबाइल नंबर स्क्रीन पर है, इसके थ्रू जल्द से जल्द रब्ता कीजिएगा, एक हॉट आइटम है, आई होप कि जल्द से जल्द ये जल्द ही सेल हो जाएगा। तो मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेबल है, इसको जल्द से जल्द रब्ता कीजिएगा ताकि आप इसको अवेल कर सकें, हॉट आइटम है, जल्द ये सेल हो जाने वाला ऑप्शन है। तो वेट रहेगा जी आपकी कॉल का, पहले आए पहले पाएँ के तहत इसको ज़रूर हासिल करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग ZEN TV, मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा।